हेलो बच्चों, बहुत बार ऐसा सुना होगा कि इरादे तो बहुत मजबूत हैं, बट कई बार आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। बस मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही इस टाइम आप लोगों के लिए ऐसा हो रहा है, या मैं बोलूँ मेरे लिए ऐसा हो रहा है। अगस्त में जो सडन डिसीजन, सितंबर में हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की, एक न्यू बोर्ड ऑर्डर किया जो सितंबर एंड में पहुंचना था, और 1 वीक के लिए उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि हम कुछ लीव पर थे, कुछ कोलकाता सेमिनार वगैरह, फिर थोड़ा लीव पर थे हम लोग। वो बोर्ड आया और वापस चला गया। अब वो रिफंड पॉलिसी में है, क्योंकि कुछ उनका एक ऐसा 1 वीक का कुछ टाइम रहता है कि वो पहुंचेगा, है ना। विद इन 3 डेज हमें ले लेना है उनसे। 1 वीक तक उन्होंने वेट किया, उसके बाद वो वापस चला। जिस दिन मैं आया यहाँ पर तो कानपुर से वापस चला गया। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक डेट दी थी 5 अक्टूबर की, वहां से स्टार्ट करेंगे, बट वही सब जब बोर्ड इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, वो रिफंड पॉलिसी में चला गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उस बोर्ड को वापस लाने के लिए, बट वो रिफंड पॉलिसी की वजह से अब लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा उसके रिफंड होने में, क्योंकि ये इंडिया में बनते नहीं हैं। बहुत मतलब बाहर के बोर्ड रहते हैं जिनको ऑर्डर करके हमें मंगाना रहता है। जयपुर से आया था वो बोर्ड और ये सडन ऐसा कुछ इश्यू हो गया। देन इसके बाद जो मेरा और त्यागी सर का एक सेटअप था, अगर आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेटर नोएडा में जिससे हम लोग पहले क्लास लिया करते थे, वो पूरा सेटअप ही त्यागी सर के पास में था। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अब मुझे नीड है, सो उन्होंने बोर्ड वहां से भेजा और वो बोर्ड फाइनली मेरे पास तक तो आ गया। और वो बोर्ड आ गया था मेरे पास अभी लास्ट वीक में ही, मैंने चेक कर लिया, बट जब आज इंस्टॉलेशन के लिए निकाला, सो आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड में ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। पता नहीं लाते टाइम डिस्टरबेंस हुआ या कहीं पर पटक दिया गया या जो भी इशू हुआ हो, जब आज इंस्टॉलेशन के लिए निकाला बोर्ड पूरा सही, बट उसके अंदर की जो एलईडी होती है, जो जो भी टच है, पूरा टच इसका जा चुका है। दुख तो बहुत हुआ, लॉस भी हुआ। आज सुबह से मैं और एसकेपी सर लगे हुए थे पूरे सेटअप में, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे से आप लोगों को ल्यूकवार्म सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज वो सब प्रोवाइड करेंगे, तो सुबह से 2 मिस्त्री भी आ चुके थे और इलेक्ट्रीशियन ने पूरा ये लाइट सेटअप वगैरह कर रखा, सारी चीजें कर दी। ये बगल में कैमरा भी रखा हुआ है, तो ये पूरा सेटअप हम लोगों ने कंप्लीट किया। बट ये जो स्क्रीन का सेटअप हुआ, जो ये प्रॉब्लम हुई, अब इसको सही कराने में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। मैं क्या न्यू डेट दूं मुझे नहीं पता, मैं क्या प्रॉमिस करूं नहीं पता, बट एक चीज मैं जानता हूं कि मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। हाँ, लॉस तो हुआ है मेरा और इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अब वारंटी में भी नहीं है ना। इसको हमें परचेज किए हुए लगभग लगभग 2 ईयर से ज्यादा हो गया, सो अब इसको सही कराना ज्यादा बेटर होगा, नया मंगाना ज्यादा बेटर होगा। अब तो कंपेयर करना पड़ेगा, एक आध दिन का टाइम उसमें जाएगा, फिर आने में कितना टाइम लगेगा। अभी पिछला वाला ही पैसा फंसा हुआ है, वही रिफंड होने में उन्होंने बोला कि सर 1 मंथ मान के चलिए कम से कम। कब कैसे क्या प्रॉब्लम आ जाती है नहीं समझ में आता। सोचता हूं कि इतना इजी वे में सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूं, करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा आके खड़ा हो जाता है सामने कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है। नहीं समझ में आ रहा बेटा कि मैं आपको डेट क्या दूं। हाँ, हार तो नहीं मानूंगा मैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो मैंने प्रॉमिस किया है वो पूरा जरूर किया है। हाँ, डिले हो सकता है बट ब्रेक नहीं हो सकता, तो प्रॉमिस तो यही है मेरा कि ब्रेक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ल्यूकवार्म जो बोर्ड में आप लोगों को देकर पूरा खड़े होकर समझाने का एक मैंने एक तरीका सोचा था, वो ना होकर मुझे बैठ के अपने लैपटॉप से करना पड़े, ये हो सकता है। जो लाइव क्लास पीवाईक्यू के लिए मैं बोल रहा था आप लोगों को कि लाइव क्लास प्रोवाइड करूंगा,
हो सकता है वो लाइव के फॉर्म में ना आ पाए, रिकॉर्ड के फॉर्म में आ पाए, या हो सकता है कि उसको भी मुझे बैठ के लेना पड़ जाए, क्योंकि ये बोर्ड में टाइम तो अच्छा खासा लगेगा। और ये बेटा पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली डेली किसी अदर फैकल्टी के घर जाकर क्लास ले लूं। कभी कभार की बात अलग है, क्योंकि उनके भी बॉन्ड साइन होते हैं और आप किसी अदर इंस्टीट्यूट वाले को अपने यहां से क्लास नहीं करवा सकते, ऐसा बॉन्ड साइन होता है। सो वो भी एक इश्यू है। सो गाइज, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा कि नेक्स्ट अपडेट क्या है, लेकिन अभी आपको एक अपडेट ये दे देता हूं कि IOCL का जो एक सेशन है उसके लिए एक मेरा शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा कल तक, और इसके साथ साथ एक मैं लाइव सेशन भी लेने वाला हूं, तो वो भी मैं कल लेने का ट्राई करूंगा और आप लोगों को लिंक शो होने लगेगी। बाकी ल्यूकवार्म और PYQ वाला, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, मैं कोई इंडिविजुअल सेशन तो ले सकता हूं बट कोई सीरीज कहीं से नहीं ले सकता, इसका समझने का आप ट्राई कर रहे होंगे और मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि डेली डेली एक ही टाइमिंग पे किसी दूसरे के सेटअप से है ना पर डे सारी चीजें अरेंज करना वो टफ हो जाएगा। सो मैं ट्राई कर रहा हूं, कुछ तो जुगाड़ निकालूंगा, हार तो नहीं मानूंगा बच्चों, और बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। बट सच में आज का दिन बहुत खराब था, दिन इतना खराब था कि जब से मैंने ये देखा तब से दिमाग अपसेट है। कल से मतलब एक प्लानिंग थी कि कैसे क्या करना है, वो पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की भी चिंता एक सता रही है। और आज बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था IOCL से इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं नहीं पिक कर पा रहा था क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा था यार, मतलब पूरे दिन लगे हुए थे आज इस सेटअप में और उसी में पूरे दिन बिजी थे, दिमाग अलग से खराब था। आज नाइट में मतलब 12 बज चुके हैं और 1 बजा हुआ इस टाइम पे, और फिर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बट आप लोगों को अपडेट देना जरूरी था, और IOCL का अपडेट यही है बेटा कि मैं आज ही के दिन ट्राई करूंगा आप लोगों को एक वीडियो भी देने का और आप लोगों के लिए एक सेशन भी लाइव सेशन लेने का, प्रॉपरली आप लोगों को गाइड करने का। आगे भी गाइड करूंगा कॉन्टिन्यूसली, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के लाऊंगा और वहां से आप लोगों की हेल्प करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, आपको हार नहीं मानने दूंगा और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देंगे। बहुत से बच्चों का एक डाउट है, सर IOCL में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी, मैं इसकी भी बात करूंगा, और है बहुत कुछ बात करने को बट इस वीडियो में नहीं, फिर नेक्स्ट किसी सेशन में जो मैं लाइव लूंगा उसमें डिस्कस करता हूँ। सो अभी का ये सेशन एंड करूंगा, और आप लोगों को अपडेट देना था बेटा, नेक्स्ट डेट का वेट करिएगा, बट मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी जल्दी पॉसिबल हो, तब तक टाइम नहीं लॉस करिए, बाकी सब्जेक्ट जल्दी जल्दी फिनिश करने का ट्राई करिए, उनके PYQ करिए, उनका रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए रिवीजन करिए, मेरे एंड से जो होगा वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूंगा। और अभी डिले नहीं हो रहा, परेशान मत होइए, ये ल्यूकवार्म सीरीज वाला जो टॉपिक होता है ना, ये आपका नवंबर दिसंबर का होता है जब आपका एंड होने वाला होता है, है ना, बट अभी भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे थे, बट अभी भी टाइम है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। सो थैंक यू, लव यू ऑल, और जो भी अपडेट होंगे वो मैं आप लोगों को जल्दी दूंगा। थैंक यू बच्चा।